हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है सिद्धिराम ब्लॉग में, फिर से एक नई वीडियो के साथ में। और गाइस, अभी हम यहाँ पे कुड़पानी कहते हैं एक जगह का नाम है, जो कि गुदड़ी बाज़ार लगता है। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बुधवार को लगता है और संडे को लगता है। तो आज का दिन में तो ज़्यादा भीड़ नहीं है और पूरे जंगल का बीच में लगता है। गाइस, आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ का पूरा लोकेशन देख सकते हैं आप। चारों तरफ हम आपको दिखा देंगे। और चलिए, हम आपका बाज़ार का सीन दिखाते हैं। ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं गाइस। देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे मछली 5 केजी हुई ना? नहीं, 3 केजी नहीं हुई। 3 से मोबाइल में लेते। देख सकते हैं यहाँ पे तालाब करेंगे ना? तालाब करेंगे। लेना ही है तो लीजिए ना जी, इसे जी। देख रहे हैं 5 केजी के है मछली। 5 केजी गुदड़ी बाजार है यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे तालाब से ही इसको मतलब पकड़ा गया है। और यहाँ छोटा छोटा भी है, इसमें भी है छोटा छोटा है। उसके बाद इधर ये का मछली के है ना? ये का मछली के है ये? अच्छा, रेहू कतला ही। कतला मतलब कि थोड़ा उसका पेट मतलब बड़ा होता है कतला का। रेहू का मतलब है कि ये रेहू मछली है और इसको तालाब में पाला गया है। और इसके बाद यहाँ पे और एक छोटा वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देसी मछली है जो कि अपने से पाला गया है। 200 रुपये किलो, 220 रुपये केजी ये भाई है। उसके बाद आपको हम दिखा दे रहे इधर हम लोग का, ये देखिए देमता। कै रुपये खेजा हो? 20 रुपया। ये देमता है गाइस, पेड़ में रहता है। इसको जाली बना करके इसको निकाला जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर टमाटर कैसे केजी? 10 रुपये। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज साग है, 10 रुपया। और भिंडी कई रुपये? भिंडी 60 रुपया। देख सकते हैं यहाँ छोटा सा ही बाजार है। प्याज है, लहसुन है, मिर्चा है, किराना सामान का सब चीज़ है। छोटा सा ही बाज़ार है लेकिन यहाँ आपको सब चीज़ का सुविधा मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ होटल भी है, अगर नाश्ता उस्ता करना है तो यहाँ जलेबी सब है, सिंघाड़ा समोसा सब है। उसके बाद गुलगुला, ये देखिए हम लोग का देसी गुलगुला, देख रहे हैं 10 रुपये में 10 गो, अरे 8 गो। उसके बाद है 5 रुपया पीस, समोसा भी 5 रुपया पीस, बाकी सब 5 रुपया पीस है। छोटा सा ही बाज़ार है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये पूरा जंगल का बीच में है। चारों तरफ आपको जंगल दिखेगा। उसके बाद इधर टमाटर है जो अपने से लगाया गया है। चाना भी आप देख सकते हैं, 5 रुपया 10 रुपया जितना आपको खाना है उतना मिल जाएगा आपका। यहाँ बादाम सब है। अभी देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ भीड़ है, मछली ले रहे हैं। 220 रुपये केजी बिक रहा है। इसके बाद आपको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये मेरा गाड़ी है। ये गाइस,
ये जानते हैं क्या चीज है, ये केवन का पेड़ है। आपको हम दिखा दे रहे, ये रहा देखिए, ये है केवन, जो कि ये पेड़ है, यहीं से लोग चुने हैं। यहाँ आपको चौमीन उमीन सब चीज़ मिल जाएगा, देख लीजिए। चौमीन है, उसके बाद इधर मिठाई सब है, जलेबी सब है, मतलब छोटा सा बाज़ार है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको मतलब घर से लेके सामान सब चीज़ मिलेगा, यहाँ खाने पीने से लेकर के हर एक चीज़ मिलेगा। और ये जगह पड़ता है आप लोगों का कुड़पानी में, छोटा सा गुदड़ी बाज़ार है, बुधवार को लगता है और एक संडे को लगता है। संडे को थोड़ा बड़ा सा बड़ा बाज़ार होता है और बुधवार को थोड़ा छोटा बाज़ार है। और अभी आप देख सकते हैं थोड़ा अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए भीड़ कम है। थोड़ा थोड़ा शाम होता है तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ भीड़ होता है, संडे का दिन में थोड़ा यहाँ भीड़ होता है। गाइस यहाँ से हम अभी जाएंगे, क्योंकि बाज़ार में थोड़ा भीड़ नहीं है, इसलिए हम जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक भाई खरीदे यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच पंद्रह किलो है, तीन के जी। अच्छा, तीन के जी है, सात गो है, देखिए यहाँ तीन के जी है, काई किलो, आधा किलो ले ले, आधा किलो। देखिए ये भाई आधा के जी लिए, अभी आप देख सकते हैं। अभी देखिए इसको वजन किया जा रहा है, छोटा वाला मछली है। तो वीडियो बना रहे हैं तो उसके बच्ची बहुत बड़का मछली रहा, ये ले लिए। तेरे कई रुपया का है? हाँ हाँ, पैसा बीस, ये देखिए पैसा दे रहे हैं। एक कर होगा। और देखिए हमको ये कुल्फी लेने के लिए बच्चा दौड़ा रही है, दौड़ा रही है। ये हो सकता है गाइस यहाँ से हम निकलेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, इधर बस्ती है, उधर ही जाना होगा। देखिए मेरा ग्राहक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बने रही है आपको ब्लॉग में। देखिए गाइस अभी हम नाश्ता करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, भूख लग रहा है। अभी टाइम हो गया आपका 3 बज गया, 3:30 ही हो रहा है, और बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, इसलिए हम यहीं पे गुलगुला खा ले रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दवा 10 कर गुलगुला दवा तो। मर जाने की दही खा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ मम्मी जी लाई है ये गुलगुला। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ये गुलगुला 10 का है, और सब्जी में है यहाँ पे आलू। टेस्ट करके बताते हैं कैसे है। प्योर आटा का है, अच्छा है, स्वादिष्ट है। हाँ स्वादिष्ट है। अरे यहाँ पानी में आपको घड़ा का पानी मिलेगा, ये जो कि इसमें ये घड़ा का पानी पीने से अच्छा और रहता है, जबकि फ्रिज का पानी से ये थोड़ा अच्छा होता है। फ्रिज के पानी में थोड़ा टॉन्सिल होने का खतरा होता है, लेकिन इसमें नेचुरल चीज़ है, मिट्टी से बनाया गया और बहुत ही ठंडा लगता है। तो गाइस अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, बने रहिए, मिलते हैं ब्लॉग में। अभी हम नाश्ता पानी है गाइस, देख सकते हैं, लेने के लिए आई थी। क्या नाम है गुड़िया? ए क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम? मधुकुलू। मधुकुलू, योर नेम?
दिस देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे हैं और यहाँ का देख रहे हैं यहाँ एक बगल में चर्च है, इधर आगे हम बस्ती जाएंगे और देखते हैं आप शाम हो गया है तो वीडियो में बने रहिए मिलते हैं। सो गाइस मैं फाइनली घर पहुँच चुका और मेरा ड्राम आज बहुत बड़ा दुर्घटना होगी। पापा जब खोल रहे थे तो ये पूरा उखड़ गया था, हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। ये देख रहे हैं ये पूरा उखड़ गया। यहाँ पे हम सोचे कि अब क्या करेंगे, क्या किया अब पूरा एमसील यहाँ पूरा एक यहाँ देख रहे हैं आप पूरा एमसील यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एमसील को लगाए हैं। आप देखिए कैसे होता है, टिकता है कि नहीं टिकता है। कल हमको अब्सेंट करना पड़ेगा, कल हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसको सूखने में एक दिन लगेगा। अगर नहीं सूखेगा और ऐसे ही ले जाएंगे तो फिर ये फट जाएगा। देखिए चलता है कि नहीं चलता है। सो गाइस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।